ब्रेकअप से दिल मिला एक युवक ने पैरामेडिकल छात्रा पर पिस्तौल से फायर करने का प्रयास किया। फायर नहीं होने से पुलिस को टैगन अथवा पिस्तौल में गोलियां नहीं होने का संदेह है। सोमवार को दोपहर मेडिकल कॉलेज परिसर में इस वारदात से हड़कंप मच गया। देर रात तक पुलिस आरोपी खापरखेड़ा निवासी 25 वर्षीय विकी चकोले की खोजबीन में छुटी हुई है। पीड़ित 24 वर्षीय पैरामेडिकल की छात्रा है। उसकी विक्की से करीब 1.5 साल पहले फेसबुक पर पहचान हुई थी। बाद में यह मित्रता में बदल गई। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात होती थी। विक्की के बर्ताव पर संदेह होने से उसने 5-6 माह पहले बातचीत बंद कर दी थी। इससे विक्की संतप्त था, वह पीछा करके धमकाता था। छात्रा ने इसकी पुलिस से शिकायत भी की थी। सोमवार को दोपहर 4 बजे छात्रा डीन कार्यालय के पास स्थित लाइब्रेरी से जा रही थी। कुछ देर पहले ही विक्की डीन कार्यालय परिसर स्थित पार्किंग में आ गया। उसने छात्रा को फोन करके पार्किंग में आने को कहा। बताया जाता है कि पार्किंग में भेंट होने के बाद छात्रा और विक्की के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान छात्रा के परिचित दोनों 3 सहपाठी वहां आई। छात्रा ने उक्त छात्राओं को विक्की द्वारा परेशान किए जाने का बताया। छात्राएं विक्की को परेशान नहीं करने की नसीहत देने लगी। परिचित छात्राओं के आने से पीड़ित उनके साथ जाने लगी। विक्की पुनः छात्रा को रोककर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो धमकाने लगा। छात्रा द्वारा कोई प्रतिसाद नहीं दिए जाने पर विक्की ने पिस्तौल निकाल ली। उसने पहले खुद की कनपट्टी तथा बाद में छात्रा की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी। वह खुद मर जाऊंगा या इसे मार दूंगा बोलने लगा। उसने 3 बार पिस्तौल का ट्रिगर दबाया लेकिन कोई फायर नहीं हुआ। इस बीच पीड़ित और उसके साथ मौजूद छात्राएं खुद के बचाव के लिए शोर मचाने लगी। मेडिकल परिसर की सुरक्षा और अन्य छात्र मदद के लिए दौड़े। यह देखकर विक्की पार्किंग की दीवार फांदकर मेडिकल परिसर के पिछले हिस्से से फरार हो गया। इस वारदात का पता चलते ही चिकित्सक और मेडिकल कर्मियों में दहशत फैल गई। क्राइम ब्रांच के DCP चिन्मय पंडित, जोन 4 के नूरुल हसन, अजनी के PI तलवारी मौके पर पहुंच गए। छात्रा ने पूछताछ करने पर प्रकरण की जानकारी दी। इसके बाद अजनी पुलिस और क्राइम ब्रांच की 6 टीमें बनाकर विक्की की खोज में कई स्थानों पर दबिश दी गई। मैं राजा शुके पैरामेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन GMCH नागपुर का प्रेसिडेंट है। आज 2017 बैच ची आमची इंटर्न पैरामेडिकल नागपुर GMCH विद्यार्थी ती आपली पोस्टिंग करून घरी जात असताना एक अननोन विद्यार्थी आमच्या प्रशासनाची सिक्युरिटीला मात देत लोडेड गन सोबत कॅम्पसमध्ये येतोय। कॅम्पसमध्ये आल्यावर गन पॉईंटवर मुलीला तो विचारतोय की मला बोलायचं आहे तुझ्यासोबत आणि तिला धमकवतोय। त्यांनी मुलीच्या मानेवरती गन ठेवली, त्यांनी 2 ट्रिगरसुद्धा दाबलेत परंतु गन चालली नाही। आणि त्यावेळेला आमचे NCC युनिटला सर आहेत ते इथे येत असताना त्यांनी बघितलं, ते जवळ आले तो पळाला इथनं। ही गोष्ट जवळपास 4:30 ते 5:45 वाजताची आहे आणि अजूनपर्यंत त्याला पकडला गेलेला नाही आहे। मुलगा त्या मुलीला गेला खूप आधीपासून त्रास देतो आहे, त्याकरिता मुलीने 4 ते 5 महिन्याआधी त्या मुलाची कंप्लेंटसुद्धा केलेली आहे। हे जरी वैयक्तिक असलं तरी तो कॅम्पसमध्ये गन सोबत आला कसा? आम्हाला आम्ही विद्यार्थी असतानासुद्धा आम्हाला आमच्या एंट्री गेटवरती ID कार्ड विचारल्या जातात। आम्ही ID कार्ड दाखवल्याशिवाय आत येऊ शकत नाही आणि मग कुठेतरी सिक्युरिटीचीच हलगर्जी दिसतीये। आम्हाला जर ID कार्डशिवाय आत येऊ देत नाही तर मग तो मुलगा गन सोबत आतमध्ये कसा काय आला? आणि शिवाय ऑटो डीन ऑफिसपर्यंत कसा काय आला? तो मुलगा ऑटोनी आला आणि ऑटो डीन ऑफिसपर्यंत येऊ कसा शकतो? शकता जवळपास 7 वाजलेले आहेत आणि इकडे हॉस्टेल साईडला 1 सुद्धा लाईट दिसत नाही आहे। पार्किंगमधल्या गाड्यासुद्धा दिसत नाही आहे, तुम्ही बघू शकता या गोष्टी। मग आता याला सिक्युरिटी काय म्हणणार आहे आपण? सिक्युरिटीवर आमच्या प्रशासनाने लवकर लक्ष द्यावा। यवतमाळ GMCH तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, त्या विद्यार्थ्याचा खून झाला कॅम्पसमध्ये। आमच्या कॅम्पसमध्ये गन घेऊन मुलगा येतोय, देवाच्या कृपेने ती गन चालली नाही आणि चालली असती तर त्या मुलीचं काय? हा मोठा प्रश्न सिक्युरिटीचाच आहे। हे नागपूरमधलं जे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहे, सध्या तिथे आमच्या टीम्स आलेल्या आहेत। एका मुलीने तक्रार दिलेली आहे की एका मुलानी तिला मैत्री सोबत ठेव कंटिन्यू कर या कारणावरनं पिस्टल काढलेली आणि तिच्या डोक्याला लावलेली आहे आणि जीवे ठार मारायची धमकी दिलेली अशी प्राथमिक माहिती आम्हाला मिळालेली आहे। तर ताबडतोब ह्याची दखल घेत नागपूर शहर पोलिसांच्या सर्व टीम्स ऍक्टिव्हेट झालेल्या आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे BCN News नागपूर।